मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 12 मई से 18 मई 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। राशिफल बताने से पहले मैं आपको इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह बताऊंगा। मेरा यह जो राशिफल है चंद्रमा के गोचर पर आधारित है, इसलिए आप अपनी जन्म की राशि के अनुसार अपनी राशि मेरे इस वीडियो में देखें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं। अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर मुझे केवल आप रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिषीय सवाल भी पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। 12 मई रविवार को सप्ताह की शुरुआत हो रही है और 12 मई रविवार को चंद्रमा का गोचर अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व 5:05 तक मिथुन राशि में रहेगा। उसके बाद में कर्क राशि में प्रवेश करेगा। 13 मई सोमवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कर्क राशि में रहेगा। 14 मई मंगलवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कर्क राशि में रहेगा। 15 मई बुधवार को चंद्रमा दोपहर 3:25 तक कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 16 मई गुरुवार को चंद्रमा का गोचर जो है दिन रात सिंह राशि में रहेगा। 17 मई शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर जो है अगले दिन सुबह सूर्योदय पूर्व यानी शनिवार की सुबह सूर्योदय के पूर्व 4:05 तक सिंह राशि में रहेगा। उसके बाद में कन्या राशि में प्रवेश करेगा। 18 मई शनिवार को चंद्रमा का गोचर जो है दिन रात कन्या राशि में रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर जो है मिथुन करक सिंह और कन्या इन चार राशियों में रहेगा। इसी चंद्रमा के गोचर के आधार पर मेरा यह राशिफल है। अब देखते हैं कि सभी 12 राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा बीतेगा और सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, पांचवें संतान और शिक्षा स्थान में और छठे रोग रण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए यह पूरा सप्ताह शानदार रहेगा। मेहनत और छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ेगी लेकिन इसका लाभ मिलेगा आपको। भाई बहनों से रिश्ते बिगड़े हैं तो सुधारने की कोशिश करें। भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा रहेगा। मकान या प्लॉट आदि लेने की सोच रहे हैं तो अब आप कोशिश शुरू कर सकते हैं और इस सप्ताह में आपको वाहन आदि खरीदना है तो भी खरीद सकते हैं। संतान का सुख भी अच्छा रहेगा। आपको परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं आप। प्रेम प्यार के रिश्तों में और मजबूती आएगी। आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। कोई नया प्रेम प्रस्ताव भी इस सप्ताह में आपको मिल सकता है और सप्ताह में शत्रुओं पर आपकी विजय होगी और सप्ताह का जो अंत है आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और पांचवें संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। पूरा सप्ताह आपके लिए अति उत्तम बीतेगा। विशेषकर सप्ताह की शुरुआत में परिवार में कोई उत्सव जैसा माहौल रहेगा। मेहमान या कोई खास व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। धन संबंधी मामले हो तो पहले आप वो काम पूरा करें। लेन देन करते रहे, लाभ मिलेगा। भाई बहन का साथ मिलेगा। व्यापारिक यात्रा का जो योग बन रहा है उसका लाभ मिलेगा। आप इस सप्ताह में अपना पुराना वाहन बदल सकते हैं या नया वाहन खरीद सकते हैं। माता के साथ जरूरी मुद्दों पर चर्चा अवश्य करें। इस सप्ताह में आपके बच्चे अगर बड़े विवाह योग्य उम्र के हैं तो कोई रिश्ता आदि आ सकता है। अगर संतान ही नहीं है तो इस सप्ताह में आप प्रयास करें। आप कोई बड़ा निर्णय इस सप्ताह में करेंगे तो वो सही साबित होगा और सप्ताह का जो अंत है आपके लिए प्रेम प्यार और रोमांटिक मूड के साथ में समाप्त होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह की शुरुआत आपके खुद की राशि में चंद्रमा से हो रही है, फिर उसके बाद में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में और चौथे सुख और माता स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। आपके लिए यह पूरा सप्ताह लाभदायक रहेगा। अचानक कहीं से लाभ होगा और धन मिलने के प्रबल योग हैं। आपके लिए इस सप्ताह में काम की व्यस्तता थोड़ी अधिक रहेगी। यह जो पूरा सप्ताह है आपके लिए देखें तो बहुत अच्छा ही बीतने वाला है और बाहरी लोगों से आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में तेजी रहेगी। आर्थिक लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आपके लिए इस सप्ताह में कुछ गौरव के क्षण भी आएंगे। परिवार में आपसी तालमेल बनाकर चलने से लाभ मिलेगा। भाई बहनों के साथ
बनाकर चलने से भी लाभ मिलेगा। भाई बहनों के साथ सहयोग करें, कोई छोटी बड़ी यात्रा का लाभ मिलेगा, भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। भाग्य इस सप्ताह में आपका पूरा साथ देगा, आपके हर काम में उन्नति और तरक्की के आसार नजर आ रहे हैं। सप्ताह का जो अंत है आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में, फिर आपकी राशि में, फिर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, और सप्ताह के अंत में तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं हो रही है। खर्च स्थान में चंद्रमा होने से आपके पैसे और मन दोनों पर इसका असर पड़ेगा। अनावश्यक खर्च करना पड़ेगा या आपका पैसा कहीं अटक सकता है। लेकिन सोमवार के बाद से एक बार फिर आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, जो पूरे सप्ताह तक रहेगी। इस सप्ताह में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, अच्छे लोगों से जो है संपर्क बढ़ेगा, पार्टी आदि में शामिल हो सकते हैं, परिवार का सुख भरपूर रहेगा, धन लाभ भी मिलेगा और कुछ नए काम करने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति में पहले से थोड़ा मजबूती आएगी। आपके लिए सप्ताह में कुछ खास लोग आपकी मदद करने को आगे आ सकते हैं और सप्ताह का जो अंत है आपके लिए लाभदायक रहेगा और किसी यात्रा आदि के साथ में और लाभ के साथ में सप्ताह का समापन होगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर शुरुआत में 11वें लाभ स्थान में, फिर 12वें खर्च भाव में, फिर आपकी राशि में, और सप्ताह के अंतिम दिन आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। यह पूरा सप्ताह मिले जुले फल देने वाला रहेगा। आपके लिए अगर इस सप्ताह में शुरू में धन मिलने के योग बन रहे हैं तो लाभ मिलेगा, भले ही लाभ थोड़ा या ज़्यादा मिले। और सप्ताह में कुछ बड़े खर्च या फिर घरेलू खर्च से जो है जमा पूंजी पर आपके असर पड़ेगा। वैसे जब आपकी राशि में चंद्रमा आ जाएगा तो आपके लिए लगभग सभी समस्याओं का अंत भी हो जाएगा। आप में जोश और उत्साह फिर से लौट आएगा, नए काम को करने में पूरी एनर्जी लगाकर उसको सफल करने में जुट जाएंगे। परिवार की आवश्यकताओं पर जो है आपकी नज़र रहेगी, धीरे धीरे करके एक एक करके उसको आप दूर करने की कोशिश करेंगे तो सभी समस्याएं भी समाप्त आप कर सकते हैं। वैसे देखें तो इस पूरे सप्ताह आप खूब मेहनत करने की अपने लिए खूब मेहनत करके अपने लिए खूब लाभ कमा सकते हैं और सप्ताह का जो अंत है पूरा संतोषजनक और लाभदायक ही रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और जो है 12वें खर्च भाव में, और सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार को आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह थोड़ा उथल पुथल करने वाला रहेगा, लेकिन सप्ताह का जो अंत है आपके लिए शानदार रहेगा। व्यापार और व्यवसाय में आपके तेजी रहेगी, नया काम शुरू करना चाहे तो कर सकेंगे। नौकरी आदि के लिए प्रयास करते रहें, छोटी बड़ी जॉब मिलने के प्रबल योग है, धन लाभ के भी अच्छे योग बने हैं, विदेश से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सप्ताह के मध्य में आपकी आवश्यकताओं और सुख सुविधाओं पर कुछ अधिक खर्च आप कर सकते हैं, लेकिन खर्च के बाद भी अफसोस नहीं रहेगा। हालांकि खर्च अगर कम करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा, फिर भी मन में जो है अशांति या ऐसा कुछ मैं आपको कहूँ कि सप्ताह का जो अंत है जब आपकी राशि में चंद्रमा आ जाएगा तो आपकी राशि में पहले से ही केतु का गोचर चल रहा है और चंद्रमा के साथ आने से आपके मन में थोड़ा सा अशांति और कुछ भय जैसा अज्ञात भय जैसा कोई वातावरण रहेगा। और जो सप्ताह के अंत में आप अगर चिंताओं से मुक्त रहेंगे तो सप्ताह का अंत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में, 11वें लाभ स्थान में, और सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार को 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा और सफलता और लाभ देने वाला बीतेगा। हालांकि सप्ताह के अंतिम दिन आपके पास में आया हुआ धन खर्च होने का मलाल भी हो सकता है और आप धन को इस सप्ताह में बचाने की कोशिश करें। आपके लिए सप्ताह में बहुत अच्छा ये जो है सफलता है चाहे लाभ देने वाला है ये अच्छा है दिन, लेकिन आप जो धन आपको मिलता है उसको बचाएं
और सप्ताह की शुरुआत में तो भाग्य आपका पूरा साथ देगा, इसलिए आपके पुराने रुके अटके काम जो है अब बनने लगेंगे। सप्ताह में व्यापार में तेजी और अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। धन लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। आपके लिए यह सप्ताह जो है कारोबार में बदलाव करने का है। अगर कुछ बदलाव करना है तो आप कर सकते हैं। जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। संतान सुख और लव लाइफ बहुत बेहतर और सुखद रहेगी। लेकिन सप्ताह का जो अंत है खर्चीला और कुछ मानसिक तनाव युक्त रहेगा, इसलिए शांति से शनिवार का दिन बिताएं तो शनिवार पूरा सप्ताह का ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत में कोई खास अच्छा जो है शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है। और अगर ऐसे देखें तो मृत्यु स्थान में चंद्रमा आपके लिए बुरे समय का प्रतीक रहेगा। रविवार को संभल कर रहें, अपना वाहन आदि सावधानी से चलाएं, लालच में ना आए तो फिर बाकी का जो पूरा सप्ताह है आपके लिए शानदार उपलब्धियों से भरा रहेगा। सोमवार से शनिवार तक केवल लाभ और उन्नति के दिन रहेंगे। आपके कई दिनों से रुके अटके काम अब पुनः शुरू हो सकते हैं। कारोबार में और कैरियर में आपके उन्नति होगी। कानूनी पक्ष आपका मजबूत बनेगा। जीवन सुख का समय अब आपके शुरू हो गया है। जीवन में सुख का समय अब शुरू हो रहा है, इसका एहसास भी आपको इसी सप्ताह में होना शुरू हो जाएगा। आर्थिक मोर्चे पर आप धन जमा करेंगे, करने में सफल रहेंगे इस सप्ताह में, और आपके घर में खुशियों का माहौल अच्छा रहेगा और सप्ताह का जो अंत है आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर सप्तम जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के अंत में 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह मिले जुले परिणाम देने वाला बीतेगा। हालांकि इस सप्ताह में आपकी कार्य क्षमता और योग्यता की कड़ी परीक्षा होगी और आपको अगर आप पर अपने आप पर पूरा भरोसा रहेगा तो आप हर परीक्षा में पास हो जाएंगे। सप्ताह के शुरू में जीवन साथी के साथ आपको प्रेम प्यार और कुछ रोमांटिक क्षण बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन सोमवार और मंगलवार ये दो दिन आपके लिए कठिन परीक्षा वाले रहेंगे। आपकी सेहत पर इसका असर होता हुआ लग रहा है। उसके बाद के बाकी के सभी दिन आपके लिए अच्छे ही रहेंगे। आपकी रुचि जो है धार्मिक कामों में और पढ़ने पढ़ाने में, पठन पाठन में रहेगी। आप कोई धार्मिक स्थान पर भी इस सप्ताह में जा सकते हैं और सप्ताह के अंतिम दिन अचानक से व्यापार में, बिजनेस में तेजी आने से लाभ मिलेगा और सप्ताह का जो अंत है खुशियों से भरा रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में जो है चंद्रमा का गोचर अगर देखें तो 6ठे रोग ग्रहण शत्रु स्थान में, 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। यह पूरा सप्ताह आपके लिए लाभ आने और उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपकी मनोस्थिति को अगर आप कंट्रोल में रखकर सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर यह सप्ताह आपके लिए खास बन सकता है। सप्ताह के शुरू में आपको थोड़ी दिमागी कसरत करके माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जीवन साथी का साथ आपके लिए हर समय उत्साहवर्धन का काम करेगा, लेकिन इस सप्ताह में आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वाहन आदि जो है धीमी गति से चलाएं और लोगों से लड़ाई आदि के माहौल में दूर रहें। पैसे को बचाएं और जरूरी हो तो ही खर्च करें और अपनी मौज शौक को पूरा करने में इस सप्ताह में अपना पैसा बर्बाद ना करें। सप्ताह के अंतिम दिन आपको मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस होगा और जो सप्ताह का अंत है आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। आपके लिए कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, 6ठे रोग ग्रहण शत्रु स्थान में, 7वें जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के अंत में 8वें मृत्यु स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। यह पूरा सप्ताह केवल अगर आप ऐसा देखें तो अंतिम दिन को छोड़कर शानदार ही बीतेगा। हालांकि आपके अंदर इस सप्ताह में आत्मविश्वास की कमी देखी जा रही है, फिर भी आप हर कदम पर लड़ने और जूझने से नहीं चूकेंगे। आपके काम में अगर गोपनीयता रखी तो इस सप्ताह में आप
बड़े काम करने का दम भी रखेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति इस समय में थोड़ी कमज़ोर रहेगी, लेकिन मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे। जीवन साथी का साथ और व्यवहार आपके अंदर जोश बढ़ने वाला रहेगा। अगर अविवाहित है तो इस सप्ताह में कोई रिश्ता आने का योग भी बन रहा है। वैसे प्रेम प्यार के मामले आपके लिए संतोषजनक रहेंगे और सप्ताह के अंतिम दिन आप थोड़ा सा संभल कर रहें। कुछ शत्रु आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं या फिर आपका स्वास्थ्य थोड़ा चिंता पैदा कर सकता है। सप्ताह का अंतिम दिन अच्छा नहीं रहेगा, सावधान रहें। अब देखते हैं इस वीडियो की आखिरी मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर चौथे सुख और माता स्थान में, पांचवें संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग रण शत्रु स्थान में और सप्ताह के अंत में सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए यह पूरा सप्ताह ही बहुत शानदार बीतेगा। आपके लिए इस सप्ताह में कुछ खास सुविधाओं के साथ में अच्छा जीवन स्तर बनाने के प्रयास सफल हो जाएंगे। भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा रहेगा। अपने काम को आप बहुत शालीनता के साथ करेंगे, लेकिन सप्ताह के मध्य में संतान को लेकर आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। आपके कुछ निर्णय बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन खास निर्णय आप परिवार के साथ में सहमति से करेंगे तो पूरे परिवार को इसका लाभ मिलेगा। अपने जीवन साथी के साथ भी आपके रिश्तों में इस सप्ताह के अंदर अच्छा सुधार आएगा। और अगर ऐसे देखें तो इस सप्ताह में आपके जीवन साथी के कारण या आपके जीवन साथी की उन्नति होने का योग बन रहा है, यानी आप दोनों में से एक दूसरे के भाग्य से किसी एक का भाग्योदय होने का या उन्नति होने का योग बहुत अच्छा बन रहा है। और जो सप्ताह का अंत है आपके लिए उत्तम प्रकार से और शांति और प्रेम के साथ में बीतेगा। यह था आज के वीडियो में 12 मई से 18 मई 2024 तक का साप्ताहिक राशिफल और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कैसा, कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कल मैं आपको वास्तु के अनुसार कुछ खास टिप्स बताऊँगा। तब तक जय जिनेन्द्र।